नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली मनोहर सरकार की पलवल जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी ने अब खुद की जान बचाने की गुहार मीडिया के सामने लगाई है। भाजपा सरकार में जिले में सबसे बड़े ओहदे पर बैठी जिला परिषद अध्यक्ष ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिला की सुरक्षा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में जिला परिषद अध्यक्षों को पावरफुल बनाकर उन्हें शक्ति देने का सार्वजनिक दावा करते हैं, वहीं पलवल जिला में सरकार की यह पॉलिसी कुछ और ही बयां कर रही है, जिससे सरकार की कड़ी खुलकर सामने आ गई है। पलवल में प्रेस वार्ता करते हुए पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर चमेली सोलंकी ने कहा कि गत 31 दिसंबर को जिला परिषद की मीटिंग रद्द होने के बाद एक साजिश के तहत जिला परिषद के वाइस चेयरमैन संतराम बैसला व उनके समर्थक पार्षदों ने उनके साथ हाथापाई कर जहां जानलेवा हमले का प्रयास किया, वहीं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनके साथ सरेआम अभद्र व्यवहार किया था। पुलिस में लिखी शिकायत का वारदात की वीडियो रिकॉर्डिंग देने पर भी एक सप्ताह बीतने के बावजूद आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह SC ST आयोग का दरवाजा खटखटाएंगी। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद जाहिर की है। जिला परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी ने पत्रकारों के समक्ष जिला परिषद के वाइस चेयरमैन पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि दरअसल मैं वाइस चेयरमैन लालच के चक्कर में पार्षदों को गुमराह कर कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिससे कि वह जिला परिषद में खुलकर फर्जीवाड़ा कर सके। लेकिन उनके यह सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि जिला पार्षदों का बहुमत आज भी मेरे साथ है और वह किसी भी कीमत पर जिला परिषद के कार्यों में कमीशनखोरी व फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाए गए सबका साथ सबका विकास की नीति को अपनाते हुए सभी वार्डों में समानता से कार्य कराए। उन्होंने एक फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल वाइस चेयरमैन संतराम बैसला एक दलित महिला को चेयरपर्सन की कुर्सी पर विराजमान होना रास नहीं आ रहा है। वाइस चेयरमैन से उनकी राजनीतिक लड़ाई तब शुरू हुई जब पिछले दिनों जिला पार्षदों के वार्डों का वर्क ऑर्डर पर वाइस चेयरमैन संतराम बैसला ने मेरे फर्जी साइन कर दिए थे, जिसका पता चलने पर इसका मेरे द्वारा विरोध करने की वजह से वो मेरे खिलाफ साजिशें करने में लगे हुए हैं और मुझे चेयरमैन पद से हटाना चाहते हैं ताकि उनके स्वार्थ सिद्ध हो सके। यही वजह है कि 31 दिसंबर को जिला परिषद के वाइस चेयरमैन संतराम बैसला, चंदन सिंह, पार्षद बिंदु ढकोलिया, प्रसादी गिरधारी सहित अन्य लोगों ने एक साजिश करते हुए पार्षद आशावती ने मेरी गाड़ी से एक महिला पार्षद को जबरन खींचकर मेरे साथ हाथापाई कर जानलेवा हमले का प्रयास किया और उसी दौरान पीछे से साजिश करने वाले पार्षदों ने मुझे गाली गलौज की जाति सूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह पूरे वाक्यों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर अवगत कराएंगी तथा उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि वह दलित महिला जरूर है लेकिन न तो डरेंगी और न ही घबराएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो SC ST आयोग का दरवाजा खटखटाएंगी और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने में। देखिए, ये 7-8 महीने से जो है बार बार साजिशें कर रहे हैं। अगर इनके पास बहुमत होता तो ये कब का मुझे गिरा चुके होते। सारे पार्षद मेरे साथ है, इनके पास भाई 2-4 पार्षद घूम रहे हैं। 16 पार्षद, जहाँ तक ये 16 पार्षद कह रहे कि हमारे साथ है, 16 पार्षद तो इनके पति, पार्षदों के पति भी और उनके प्रतिनिधि मिलाए जब भी नहीं बनते। अगर 16 होते तो ये आज तक मैं चेयरमैन बनी नहीं रहती। नहीं, अगर वो उनको लगता है कि सामूहिक इस्तीफा देना हल है तो ठीक है, दे दे। वजह इसमें ये है कि संतराम जो है वो एक ऐसी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये कि भी यहाँ पर चेयरमैन ही करे। दूसरा ये, वो उसकी लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसने जिला परिषद के अंदर जो फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया था तो मैंने उसको पकड़ लिया था, इसलिए उस बात की रंजिश भी निकाल रहा है। और तीसरा ये कि वो खुद चाहता है कि इलेक्शन सर पर आ रहे हैं और इसको गिरा दो तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो उसको वाइस चेयरमैन के पास रहेगी, आगे वो किसी को चेयरमैन बनाएंगे नहीं। और जो चेयरमैनों को लालच दे रखा है वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई चेयरमैन बनाने वाला नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।